हेलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स में मैं अमिताभ आनंद आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी। और इस स्टोरी का नाम है इन राय बरेली डॉक्टर्स हैव अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ क्वारंटाइन, यानी कि राय बरेली में डॉक्टर्स की अनकही कहानी क्वारंटाइन की, यानी कि मतलब डॉक्टरों के पास जो है, यानी कि क्या है ये हैब जो है यहाँ पर परचेज करने के सेंस में है। यहाँ पर ये नहीं है कि इसके बाद यहाँ पर जो टोल्ड लगा हुआ है या अनटोल्ड, तो ये अनटोल्ड कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये एक पार्टिसिपल है या आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव है जो कि स्टोरी के लिए आया है। ठीक है, तो हैव अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ क्वारंटाइन। ठीक है, मेडिकल टीम रिलीजेस वीडियोज ऑफ क्रैम्प्ड स्पेस। क्रैम्प्ड स्पेस मतलब तंग जगह जो होता है ना, जहाँ पर स्पेस बहुत कम होते हैं। डर्टी टॉयलेट्स, कोल्ड फूड इज देन मूव टू गेस्ट हाउस, यानी कि मेडिकल टीम जो है वो रिलीज किया है, जारी किया है वीडियोस किस चीज़ का, क्रैम्प्ड स्पेस का, यानी कि तंग जगह का, डर्टी टॉयलेट्स गंदे टॉयलेट्स का, और कोल्ड फूड और ठंडे भोजन का। और उसके बाद जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया गेस्ट हाउस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ इन रायबरेली उत्तर प्रदेश हैव रिलीज्ड वीडियोज हाईलाइटिंग द पुअर एंड अनप्लीजेंट लिविंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम एट अ गवर्नमेंट रन स्कूल वेयर दे वर लॉस्ड अंडर एक्टिव क्वारंटाइन। सबसे पहले आप एक्टिव क्वारंटाइन और पैसिव क्वारंटाइन समझ लीजिए। आप ये होता है, देखिए जब जो एक एडवाइजरी जारी किया गया है उसके तहत क्या है कि क्वारंटाइन में जो डॉक्टर वायरस से जो इन्फेक्टेड है, जिनकी इलाज कर रहे हैं ये, तो डॉक्टर को भी जो है क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा 21 दिन तक के लिए। तो 7 डेज का जो है वो एक्टिव क्वारंटाइन होगा और 14 डेज का जो है वो पैसिव या इनएक्टिव क्वारंटाइन होगा। तो एक ग्रुप जो है किसका, गवर्नमेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, जो चिकित्सकीय जो स्टाफ मतलब कि मेडिकल जो स्टाफ हैं, ठीक है, इन रायबरेली में जो सरकारी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का एक समूह जो है, ठीक है, रायबरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, हैव रिलीज्ड, उसने जारी किया है वीडियोज, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है, प्रकाशित किया गया है क्या पुअर एंड अनप्लीजेंट लिविंग फैसिलिटीज, यानी कि बड़ा बेकार सा, पुअर सा, खराब और अनप्लीजेंट, अप्रिय लिविंग फैसिलिटीज, वहाँ रहने की जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं हैं, लिविंग मतलब रहने की और फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, प्रोवाइडेड टू देम जो उन्हें दी गई है, देम मतलब मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, एट अ गवर्नमेंट रन स्कूल, एक सरकारी स्कूल में, वेयर दे वर लॉस्ड, जहाँ वे रखे गए हैं, जहाँ वे टिकाए गए हैं या जहाँ पर उनको रखा गया है अंडर एक्टिव क्वारंटाइन, यानी कि एक्टिव क्वारंटाइन के तहत। ठीक है, आफ्टर द एक्सपोजे, इसको जो है ये नाउन है, ये एक्सपोज एक होता है वर्ब जिसको एक्सपोज पढ़ते हैं, मतलब उजागर करना, उसको सामने लाना, और एक्सपोजे जो होता है ये एक्चुअली होता है पब्लिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ठीक है ना, तो एक्सपोजे जो होता है यानी कि पर्दाफाश, ठीक है, इसको एक्सपोजे पढ़िएगा, तो आफ्टर द एक्सपोजे, जैसे आप रिज्यूम होता है उसे ही आप जब बायोडाटा बनाते हैं तो उसको रेज्यूमे कहा जाता है, उसी तरह एक्सपोज और एक्सपोजे होता है। तो आफ्टर द एक्सपोजे द चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो मुख्य चिकित्सक जो ऑफिसर है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्य चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसने शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया किसको, 25 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया, और उन्हें दिया गया क्या, प्रोवाइडिंग देम इन सूट सिंगल रूम्स, यानी इन सूट का मतलब होता है अटैच्ड, संलग्न, ठीक है ना, इन सूट मतलब अटैच्ड सिंगल रूम्स, यानी कि एक रूम होगा और रूम के रूम में ही बाथरूम वगैरह भी होंगे, ठीक है ना, टिल वेंसडे इवनिंग, यानी कि बुधवार तक, बुधवार शाम तक,
रायबरेली हैड रिपोर्टेड 43 कोविड 19 केसेस, यानी कि रायबरेली में जो है बुधवार शाम तक जो है 43 कोविड 19 केसेस सामने आए या उस दर्ज किए गए, ऑल ऑफ देम एक्टिव, और सारे जो है सारे वो एक्टिव थे। इन अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज के एक कड़ी में, ठीक है ना, एक सीरीज में या लगातार, मतलब सीरीज मतलब बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज, तो शॉर्ट वीडियोज के एक सीरीज में या कड़ी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है ऑफ द L1 फैसिलिटी, यानी कि L1 फैसिलिटी जिसको आप कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि सुविधा L1 फैसिलिटी में जो रखे गए जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो थे, उन्होंने दिखाया शॉर्ट द पुअर कंडीशंस, उन्होंने दिखाया क्या पुअर कंडीशन, जो बेकार सा कंडीशंस जो है, स्थिति जो है वहां पर, दे वर मेड टू लिव इन। ये चीज जरूर देखिएगा, जब मेड का यूज यानी कि मैक का यूज जो है इस तरह से करते हैं, यानी कि टू मैक समबडी टू या लिव इन या टू मैक समबडी टू डू समथिंग, तो उसका मतलब होता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग। और यह जब भी होता है यानी कि फोर्स का सेंस होता है, यानी किसी को बाध्य करते हैं, तो यह हर हमेशा जो है पैसिव में ही होता है। तो यहां पर देख लीजिए ये चीज कि ये जो L1 फैसिलिटी के जो स्टाफ थे, उन्होंने दिखाया क्या दिखाया, वो पुअर कंडीशंस को दिखाया जहां पर दे वर मेड टू लिव इन, जहां पर वे विवश थे रहने के लिए, ठीक है। इन अ वीडियो अ मैन, एक वीडियो में एक व्यक्ति जो है अपने आप को पहचान रहा है या अपने आप को दिखा रहा है एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में, यानी कि अपने आप को बता रहा है एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में। इन अ वीडियो एक व्यक्ति आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को पहचान रहा है या अपने आप को बता रहा है एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में, उसने जो है डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, क्या वर्णन किया, द टीम स्लीपिंग स्पेस विथ 4 बेड्स इन अ रूम 10, ठीक है। यानी कि उसने वर्णन किया क्या चीज का, कि टीम का जो टीम है डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का जो टीम है, ठीक है, उसके स्लीपिंग स्पेस यानी कि सोने का जो जगह है उसके बारे में, जहां पर 4 बेड थे, यानी कि 4 सोने का जो कह सकते हैं आप पलंग लगे हुए होंगे या फिर कोई बेड लगे होंगे, इन ए रूम, एक रूम में 4 बेड लगे हुए थे। इट इज 3 AM, यानी कि ये 3 बजे सुबह की बात है। द इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फैंस आर नॉट वर्किंग, पंखे काम नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑसम 5-star class फैसिलिटी। ये जो है ये सेंटेंस जो है ये एक्चुअल में जो है एक तरीके से ये व्यंग है, तो वो कह रहा है कि यह सच में एक जो है एक 5-star वर्ग का जो है सुविधा है यहाँ पर, मतलब 5-star class फैसिलिटी है। तो उसका ये एक मतलब कह सकते हैं आप ये व्यंग है। ही देन वॉक्स टूअर्ड्स द शेयर टॉयलेट, वो तब जो है वो बढ़ता किस तरफ है, शेयर टॉयलेट की तरफ। शेयर टॉयलेट मतलब जो साझा टॉयलेट, जहां पर सभी कोई एक दूसरे से शेयर करते हैं टॉयलेट्स को, ठीक है, एरिया। ही देन ही देन वॉक्स, वो तब बढ़ता है किसके तरफ, टूअर्ड्स मतलब किसकी, उसकी तरफ, किसकी तरफ, शेयर टॉयलेट्स एरिया की तरफ, यानी कि साझा जो टॉयलेट है उस एरिया की तरफ बढ़ता है। विच हैज़ अ डर्टी एंड स्टेंड फ्लोर, जिसमें जो है उसमें क्या है, डर्टी, डर्टी मतलब बड़ा गंदा सा, स्टेंड फ्लोर मतलब कि चारों तरफ जो है ना वो एक तरीके स्टेंड किया हुआ, मतलब कि गंदा, बहुत सारे गंदगी आपको दिखेंगे, वो स्टेंड फ्लोर है। फ्लोर में मान लीजिए बहुत सारी गंदगी है ना, जैसे पीलापन वगैरह ये जो होता है वो स्टेंड फ्लोर होते हैं, मतलब फ्लोर मतलब तो फर्श जानते ही हैं, तो विच इज अ डर्टी एंड स्टेंड फ्लोर। एंड सोज, और वो दिखाता है क्या दिखाता है, द टॉयलेट्स, उस टॉयलेट्स को दिखाता है, सम ऑफ विच आर ब्लॉक्ड एंड डर्टी, जिसमें से कुछ जो है वो ब्लॉक्ड है, यानी कि उसमें जो है मलमूत्र जा नहीं पाता है, ब्लॉक है और डर्टी है। फूड नॉट पैक्ड, यानी कि फूड जो है वो पैक्ड नहीं है अच्छे से। इन अनदर वीडियो, एक अन्य वीडियो में अ वॉइस, एक आवाज़ जो है वो डिस्क्राइब करती है, क्या करती है आवाज़, जो वहाँ पर उपलब्ध फूड है, भोजन है, उसके बारे में बताती है। वाइली पूरीज, यानी कि तेलिया जो पूरी होते हैं और जो सब्जी होते हैं, आर सील टुगेदर, वो एक साथ ही सील किए गए हैं। इन अ क्लोथ बैग, एक कपड़े के बैग में उसको सील कर दिए गए हैं, विदाउट प्रॉपर पैकिंग, मतलब बिना
सही रूप से पैकिंग किए हुए। दिस इज फूड फॉर एक्टिव क्वारंटाइन फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल स्टाफ हु आर ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट्स। ये फूड जो है, ये जो भोजन है वो एक्टिव क्वारंटाइन के लिए है, फॉर डॉक्टर्स, उन डॉक्टरों के लिए और सारे स्टाफ के लिए जो कोरोना वायरस पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं। इट सेड, इसमें कहा गया, इट सेड मतलब ये जो वीडियो है उसमें कहा गया। इन द थर्ड वीडियो, तीसरे वीडियो में क्या हुआ, अ पर्सन इन फुल पीपीई किट, यानी कि एक व्यक्ति जो पर्सनल मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ जो का किट जो था वो पहना हुआ था, और उसने एक्सप्लेन किया हाउ द मेंबर्स लिव्ड इन कंडीशंस दैट वेंट अगेंस्ट एक्टिव क्वारंटाइन नॉर्म्स। उसने क्या एक्सप्लेन किया कि कैसे जो मेंबर्स हैं, जो मेडिकल मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो और जो अन्य मतलब कि अदर जो स्टाफ है, ठीक है ना, वो कैसे इस कंडीशन में रहते हैं जो दैट वेंट अगेंस्ट, दैट मतलब जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट वेंट अगेंस्ट एक्टिव क्वारंटाइन। ये वेंट अगेंस्ट मतलब गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट मतलब वो जो एक्टिव क्वारंटाइन का जो नॉर्म्स है, जो एक नॉर्म्स बना हुआ है एक्टिव क्वारंटाइन का, उसके अगेंस्ट में जाता है, यानी कि उसका उल्लंघन करता है ये। नॉट ओनली डिड दे हैव टू शेयर बाथरूम्स, न केवल उनको जो है बाथरूम्स और टॉयलेट शेयर करने पड़ते हैं, दे वर बॉर्डेड इन बिग क्लासरूम्स, उनको जो है कहाँ रखा गया है, एक बड़े से क्लासरूम में विथ फोर बेड्स इन ईच, जिसमें प्रत्येक में जो है चार बेड लगे हुए हैं। टोटली रॉन्ग फॉर एक्टिव क्वारंटाइन ही सेड, उसने कहा ये बिल्कुल गलत है एक्टिव क्वारंटाइन के लिए। देयर वॉज नो लाइट ऑन द प्रीमाइसिस अ डे अर्लियर, कोई प्रकाश कोई लाइट नहीं था प्रीमाइसिस में, परिसर में, ऑन द प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस के साथ ऑन लगता है इन नहीं, ऑन द प्रीमाइसिस अ डे अर्लियर, ठीक है ना, एक दिन पहले कोई लाइट नहीं था, इवन द फूड केम लेट, यहाँ तक कि खाना जो है भोजन जो है वो भी लेट आया था। दे वर ऑल्सो मेड टू शेयर अ, फिर से यहाँ पर ऑल्सो मेड टू शेयर है, देखिएगा ये चीज, तो यहाँ क्या है कि उन लोगों को विवश होना पड़ा शेयर करने के लिए सिंगल वाटर कैन ऑफ 20 लीटर, 20 लीटर का जो एक एकमात्र वाटर कैन था उसको शेयर करने के लिए उनको विवश होना पड़ा। ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, अ मोबाइल टॉयलेट वॉज इंस्टॉल आउटसाइड वेन दे कंप्लेंट बट दे हैड नो बाथरूम्स, यानी कि जब उन्होंने कंप्लेन किया, शिकायत की, तो एक मोबाइल टॉयलेट जो है, यानी कि देखिए, अ मोबाइल टॉयलेट वॉज इंस्टॉल, उसे इंस्टॉल कर दिया गया वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट आउटसाइड बाहर में, ठीक है, जब उन्होंने कंप्लेन किया, तो एक मोबाइल टॉयलेट को जो है इंस्टॉल कर दिया गया, बट दे हैड नो बाथरूम्स, लेकिन उसमें कोई बाथरूम्स नहीं थे। एस के शर्मा जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर एस के शर्मा जो है, उन्होंने कहा वी हैव शिफ्टेड एवरीवन टू अ गेस्ट हाउस नियर बाय, हम लोगों ने सभी को जो है नज़दीक के गेस्ट हाउस में, नियर बाय नज़दीक के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिए हैं, स्थानांतरित कर दिए हैं। वी आर ऑल्सो अरेंजिंग, हम लोग जो हैं यह भी व्यवस्था कर रहे हैं फॉर अ लाइव किचन देयर, एक लाइव किचन वहाँ पर करने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि सो द डॉक्टर्स कैन गेट, उन्हें मिल सके, कैन गेट मतलब मिल सके हॉट गर्म पकाया हुआ खाना, ठीक है। द फैसिलिटीज एट द L1 सेंटर, L1 सेंटर में जो सुविधाएं हैं वो अरेंज किया गया था किसके द्वारा, बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा अरेंज किया गया था वो फैसिलिटीज सुविधाएं। आई वॉज माई सेल्फ, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं था विथ इट, इससे ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर बताएं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।